नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हायर एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त राहुल। और ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेरिट बेस्ड एडमिशन तो बहुत टाइम से चल ही रहे थे, उनकी फोर्थ कट ऑफ भी आने वाली है, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड कोर्सेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड में यही चल रहा था कि भाई हमारा रिजल्ट कब आएगा। तो फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट एडमिशन लिस्ट निकाल दी है और धीरे धीरे करके बाकी कोर्सेज की भी अपलोड होना शुरू हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, इनके एडमिशन वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड के ऊपर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा बीएमएस बीबीए जो उनका डीयूजेट वाला है एंट्रेंस एग्जाम, बीए ह्यूमैनिटीज मल्टीमीडिया मास कम्युनिकेशन का भी रिजल्ट इन्होंने निकाल दिया है, बीटेक एंड बीए ऑनर्स सीआईसी एंड बीएलएड, इन सब के लिए इन्होंने रिजल्ट निकाल दिया। तो हम चेकआउट कैसे करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा फर्स्ट एडमिशन लिस्ट। इस तरीके से आपको क्या करना है, बीटेक पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट एडमिशन लिस्ट। तो ये चार कोर्सेज हैं जिनके लिए इन्होंने अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है बेसिकली। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बीएलएड में आप क्लिक करोगे तो फर्स्ट एडमिशन लिस्ट बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, क्लिक करना होगा अपने कोर्स पे और फर्स्ट एडमिशन लिस्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जिन भी स्टूडेंट्स का फर्स्ट लिस्ट में अंदर नाम आया है उनको उनकी प्रेफरेंस और जैसे उन्होंने अपना सिलेक्शन करा था कोर्स का उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उनको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। तो अब आपको अपना रिजल्ट कैसे चेक करना है, यहाँ पे आपका रोल नंबर है, यहाँ पे आपका नेम, अनरिजर्व कैटेगरी और अलॉटेड कॉलेज, इस तरीके से आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऋषिव राहुल अग्रवाल को यहाँ पे शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज फर्स्ट उनकी प्रेफरेंस रही होगी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉलेज मिल गया है। और मैक्सिमम अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर देख लेते हैं कितना कट ऑफ गया है, कितने रैंक तक एडमिशन ले गए हैं फर्स्ट एडमिशन लिस्ट के अंदर। तो यू आर के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं रिजर्व कैटेगरी के अंदर 44 तक शहीद सुखदेव कॉलेज के अंदर एडमिशन हुआ है। उसके बाद आगे इस तरीके से आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। ये आपको अपनी लिस्ट चेक करनी है, आप फटाफट जाइए डी यू की वेबसाइट पे और इस तरीके से रिजल्ट देख सकते हैं। इसके बाद जिन स्टूडेंट्स ने मल्टीमीडिया में अप्लाई करा है वो भी अपना रिजल्ट यहाँ से चेक कर पाएंगे। फर्स्ट एडमिशन लिस्ट पे क्लिक करना है और इस तरीके से जिन भी स्टूडेंट्स का नाम आ गया है उनका यहाँ पे लिखा आ जाएगा। फाइन, बीटेक पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट एडमिशन लिस्ट यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगी जिन भी स्टूडेंट्स का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है फर्स्ट एडमिशन लिस्ट के अंदर। अब सेकेंड एडमिशन लिस्ट कब आती है, जब आप लोगों की पूरे बच्चे जब यहाँ पे पेमेंट कर देंगे, ये कॉलेजेस के साथ सेटिस्फाइड हो जाएंगे बच्चे अपने, इसके बाद जो नेक्स्ट सीट्स होंगी वो आगे की तरफ फॉरवर्ड कर दी जाएंगी बाकी रिमेनिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो इस तरीके से अब आप लोगों का फर्स्ट कट ऑफ निकल चुका है एंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज के लिए और बहुत ही सारी मेरी विशेष हैं आप लोगों के लिए कि आपका एक अच्छे कॉलेज में अंदर एडमिशन हो जाए। थैंक यू सो मच।